ऐसा फंसाया, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पैसे दे के आए थे, बस सैलरी मिली, जेल करवा दी, सफ़र ममनू करवा दिया, हमें बर्बादी की तरफ डाल दिया। हमें सऊदी की जेल में करवाया, 22 दिन जेल काटी अभी हमने, और अब फिर दोबारा से जेल लेके जाएंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। लाखों रुपए एजेंट आम आदमी से लूट लेता है बहाने कर करके, और जब उसे सऊदी, कतर, दुबई कहीं भी भेज दिया जाता है, वहां पर ना उन्हें सैलरी मिलती है और घर जाने का कहा जाए तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, और तो और सफर भी ममनू कर दिया जाता है। तो इस भाई के साथ में ऐसा ही कुछ हुआ, एजेंट मुंबई से काम करवाया और लाखों रुपए ले लिया इन भाई से, और जेल में भी उन्हें पहुंचा दिया। सारी जानकारी आपको दूंगा आज के इस वीडियो में, और जो इनका सफर ममनू हुआ है उसका सोल्यूशन भी साथ में बताऊंगा। जेल से जब इन्हें एयरपोर्ट ले जाया गया, एयरपोर्ट से फिर वापस इन्हें जेल में डाल दिया गया। ये पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आपसे ऐसी गलती ना हो, वरना आपकी जिंदगी भी तबाह हो, बर्बाद हो सकती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, इस भाई की मदद हो सके और अपने देश, अपने फैमिली के पास में, अपने घर वापस जा सके। कि जो वीडियो आई है मेरे पास, सबसे पहले वो वीडियो आप तक शेयर करता हूँ। आगे इनके साथ में क्या हुआ, किस तरह ये इंडिया से सऊदी अरब आए और आके इनके साथ में क्या कुछ हुआ, ये सारी जानकारी शेयर करूंगा, साथ में आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। शाम के 5 बजे एयरपोर्ट पे लाके यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब फंसाया, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पैसे दे के आए थे, बस सैलरी मिली, जेल करवा दी, सफ़र ममनू करवा दिया, हमें बर्बादी की तरफ डाल दिया। बस पता नहीं क्या हमने बुरा करा था किसी के साथ, हमने पैसे दे के आए थे उसे पूरे, ना हमें वापस बुला पाई और ना हमारे पैसे वापस कर पाए, उल्टा हमें जेल करा दी, क्रिमिनल बना दिया। कभी इंडिया में किसी के चार्टर नहीं मारा हमने, हमें सऊदी की जेल में करवाया, 22 दिन जेल काटी अभी हमने, और अब फिर दोबारा से जेल लेके जाएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी अल्लाह मालिक, अदिया कपिल के पास कॉल करके, ये लोग वापस आए तो पैसे वापस लेंगे मुझसे वीज़ा के, तुम इनका सफ़र बंद बताओ। ये काम चल रहा है हमारे यहाँ, किसी की इज्जत, जिल्लत, किसी का भाईचारा, कोई कोई किसी का। जैसे कि आप सबने वीडियो में देखा, ये भाई साहब बता रहे हैं कि पहले इन्हें 22 दिन जेल में रखा गया, उसके बाद में कुछ लोगों के साथ इन्हें एयरपोर्ट में ले जाया गया, यानी इन्हें अपने देश भेजने के लिए एयरपोर्ट ले जाया गया। वहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद में, कुछ घंटे बीतने के बाद में ये पता चला कि इनके ऊपर सफर ममनू कर दिया गया है, फिर इन्हें एयरपोर्ट से वापस जेल में लाकर डाल दिया गया। तो इनके पीछे की जो कहानी है शुरुआत से मैं आप तक शेयर करता हूं, और आपको नॉलेज भी हो जाएगी, आप भी इस तरह से गलती भी मत करिएगा। तो ये किसी एजेंट को पकड़ते हैं, दलाल भी कह सकते हैं, एजेंट इनके पीछे लग जाता है, इनके साथ में 4 से 5 लोग रहते हैं एक ही साथ में आने के लिए। वो एजेंट 5 लोगों का ग्रुप बनाकर 5ों से लाखों रुपए लेने के बाद वो एजेंट ऐसे जगह पे भेज देता है जहां पर इन्हें 6 महीने की सैलरी नहीं मिली है दोस्तों, 1-2 महीने की नहीं, पूरे 6 महीने की सैलरी नहीं मिली है। ऐसा काफी ज्यादा देखा जाता है, किसी का 2 महीने का सैलरी नहीं मिला, किसी का 3 महीने का, लेकिन इस भाई की 6 महीने का सैलरी नहीं मिला। तो इन्होंने कॉन्टेक्ट किया अपने एजेंट से इंडिया में, इन्होंने कहा कि मुझे जब सैलरी नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ पर रहना, काम करना कोई मतलब नहीं निकलता, मुझे अपने देश वापिस बुला लो, यानी मुझे इंडिया जाना है, मुझे किसी भी तरह से यहाँ से वापिस बुला लो। तो एजेंट का क्या कहना है, ध्यान से सुनिएगा, एजेंट का कहना है कि आप लोग वहाँ से भाग जाइए, भागने के बाद में एम्बेसी में जाइए, वहाँ पर कानूनी तरीके से कार्रवाई होगी, वहाँ पर आपका वाइट पासपोर्ट बनाया जाएगा, उसके बाद में 8 से 10 दिन के अंदर आपको अपने देश भेज दिया जाएगा। ये एजेंट का सोल्यूशन है, यानी एजेंट इंडिया में बैठे बैठे इन्हें सऊदी अरब में रास्ता दिखा रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है, कहना जितना आसान है काम उतना आसानी से हो जाएगा, कभी नहीं होगा दोस्तों ऐसा।
तो ये भाई साहब जो है एजेंट के बातों में आ गए और वहां से भाग गए। भागने के बाद एम्बेसी गए, एम्बेसी में कुछ काम हुआ, उसके बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया और पूरे 22 दिन जेल के अंदर रखा गया इन्हें। उसके बाद में जब जेल में पूरी तरह से कार्रवाई पूरी हो जाती है तो इन्हें एयरपोर्ट पे ले जाया जाता है ताकि इन्हें अपने देश इंडिया वापिस भेजा जा सके। लेकिन उससे पहले इन्हें एयरपोर्ट पे पहुँचने से पहले ही जो वीजा दिया था इन्हें यहाँ से इंडिया के एजेंट को, वो बंदा गया इनके कफिल के पास में, जो कि कफिल से भी वो आदमी पैसा ले चुका होता है, वीजा भी लिया था और पैसा भी लिया था कफिल से। तो वो बंदा कफिल के पास में जाता है, बोलता है ये अपना पैसा ले लो और उस आदमी का सफर ममनू कर दो। देखिए ये है इंसानियत, अजीब बात है। उस कफिल ने पैसा ले लिया और इनका सफर ममनू कर दिया। जब ममनू इनका सफर कर दिया, इसी वजह से इन्हें एयरपोर्ट से वापस फिर जेल के अंदर डाल दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, कोई केस किया होगा, चोरी का इल्जाम लगाया होगा या फिर किसी भी तरह का कोई केस किया होगा, जब तक दोनों का सुलह नहीं हो जाता तब तक ये घर नहीं जा सकते। यानी 2 महीना भी लग सकता है, 4 महीना भी लग सकते है और 1 महीना भी लग सकता है। आप लोग समझ सकते हैं कि वो कितना घटिया इंसान है। वो चाहता तो जो इनकी 6 महीने की सैलरी रुकी है दोस्तों, वो भी दिला देता, जैसे ये बंदा काम भी करता और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा इनके ऊपर परेशानी बढ़ा दी। तो आप लोग से यही गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। सबसे पहली बात, इनकी मदद भी हो सकती है वीडियो को शेयर करने से, और जिन भाइयों के पास में ये वीडियो पहुंचेगा उन्हें जानकारी मिलेगी ताकि किसी भी दलाल किसी एजेंट के झांसे में ना आए। पैसे तो बर्बाद होगी ही होगी, साथ में जिंदगी भी बर्बाद कर सकते हैं एजेंट लोग, क्योंकि इस भाई के साथ में ऐसा हो चुका है, जो कि बड़ी बड़ी बातें करके इंडिया से सऊदी अरब भेज दिया और यहाँ पर आकर ये भाई साहब लाखों रुपए देने के बावजूद भी फंस और अभी जेल के अंदर इनकी जिंदगी कट रही है। इसके सोल्यूशन पे बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका सोल्यूशन यही है कि जब तक ये कफिल से क्लियर नहीं करेंगे कि क्या केस किया है, क्यों सफर ममनू किया है, तब तक इन्हें 2 महीना 4 महीना जेल में रहना पड़े। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ऐसे एजेंट के झांसे में बिल्कुल भी मत आइएगा, वरना आपकी जिंदगी भी बर्बाद ऐसे एजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी, ये जो वीडियो मैं आप तक शेयर किया, ये सारी जानकारी इस भाई के फैमिली वालों ने मुझे दिया। इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करके उन्होंने सारी बातें बताई कि किस तरह इस भाई के साथ में क्या क्या घटनाएं घटी, कितना पैसा लगा और वो एजेंट कहाँ का था। तो वो एजेंट का नाम भी दोस्तों मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं नहीं चाहता इस वीडियो में नाम लेना। और वो एजेंट मुंबई से काम करवाया इस भाई की। तो ये सारी जानकारी इस भाई के फैमिली वालों से मुझे मिला है। आप लोग भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप भी वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बातें भी कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नई जानकारी के साथ में किसी